नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। फोटोशॉप के अध्याय में आज हम लोग सीखेंगे ग्रेडियंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं फाइल पे गया, एक न्यू पे मैं गया और न्यू पे जाने के एक पेज को मैंने इंसर्ट कर लिया और एक हम फोटो को भी मैंने इंसर्ट कर लेता हूँ कि मुझे आपको बताने में अच्छा होगा। फ़ोटो को मैंने इंसर्ट कर लिया और यहाँ पर से ला कर इस फ़ोटो को अपने यहाँ पर छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया। और देखिए यहाँ कैसे लाया मैंने, विंडो में जाके हिस्ट्री, इसका बहुत काम है। मैं कंट्रोल जेड करने की जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ग्रेडियंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर से आपको आएंगे और यहाँ पर से कर लेंगे इसमें। देखिए इसको हम लोग कर लेंगे। मेरे पास, अगर आपके पास इतना ग्रेडियंट नहीं आपके पास आ रहा है, इतना ग्रेडियंट आपके पास नहीं आ रहा है, तो आप ला भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक, ये को ला भी सकते हैं। तो कैसे कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पर आपको क्लिक कीजिएगा। पहले इसको हम हटा देते हैं, कैसे कैसे लाएंगे। फिर देखिए टैक्स से आप देख सकते हैं, स्मॉल से देख सकते हैं, स्मॉल थंबनेल से देख सकते हैं, लार्ज थंबनेल से देख सकते हैं, इसको ऊपर घटा बढ़ा भी सकते हैं इस तरह से ऐसे करके, और स्मॉल में भी देख सकते हैं, लार्ज में भी देख सकते हैं, ऐसे करके ऊपर ऐसे रखते हैं, स्मॉल थंबनेल ऐसा रखते हैं। इसके बाद इसको देखिए अब यहाँ से लाएंगे कैसे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जुट गया, और क्लिक करेंगे और जुट जाएगा, और क्लिक करें यहाँ पूरा क्लिक करते रहिए, सब आपको जुट के चला जाएगा। ठीक है, अब इसका यूज करते हैं, कैसे यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर आकर, कि कोई किसी एक कलर को मैंने ले लिया और मैं यहाँ पर फर्स्ट में भी हूँ। यहाँ से डन कर देते हैं। यहाँ से रीसेट कर देते हैं, आपको रीसेट कर दिए। ठीक है, मैं अभी इतना ही रख रहा हूँ। यहाँ पे आप ला कर जोड़ भी सकते हैं, जो अभी आपको मैंने बताया, और जोड़ सकते हैं ना बताया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे क्लिक करेंगे, जिस फर्स्ट मैंने क्लिक है, और यहाँ से देखिए यहाँ पेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, जैसे ले सकते हैं। फर्स्ट पर मैंने क्लिक है, ठीक है। सेकंड पर क्लिक करेंगे तो देखिए, सेकंड पर क्लिक करेंगे तो ऐसे आएगा, फिर वापस जाएंगे ऐसे क्लिक करेंगे ऐसे आएगा, ठीक है, वापस कर लिए। इस पर क्लिक करेंगे 20 सब खींच रखिए, ऐसा आएगा और यहाँ पे शो कर देंगे तो फोटो आ जाएगा आपको। इसको वापस कर लिए, फिर इस पर क्लिक, फोटो यहाँ से आँख बंद करते हैं, वापस जाते हैं इस पर वापस। देखिएगा अभी हम इस पर हैं, तो इस पर क्लिक करके इस तरह से आएगा वापस, इस तरह से क्लिक करेंगे वापस। यहाँ पर देखिए चेंजिंग कर सकते हैं आपको, देखिए आपको फर्स्ट पर जैसे मैंने दूसरा लेते हैं, जैसे इसको लिए, इस कलर को लिए, फर्स्ट पर मैंने क्लिक किया, तो आप लेफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ से खींच सकते हैं, पैसा आएगा तीन का कलर। इसको हम वापस कर देते हैं और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, देखिए आपको ऐसा आएगा, जो वापस कर दिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा आएगा, आपको वापस कर दिए। और यहाँ पर शो भी करी क्लिक कीजिएगा तो फोटो यहाँ पर ऐसे तरह से आ जाएगा। वापस किए और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से वापस करेंगे, वापस भी कर दिए, फिर यहाँ पर क्लिक करके भी आप शो कर दीजिएगा तो देखिए कैसे हो जाएगा। तो आप बीच में से भी खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं, इस तरह से फ़ोटो को शो कर दीजिए तो आ जाएगा, जैसा मैं तैसा भी खींच सकते हैं। अभी हम ले लेते हैं फर्स्ट को और तीन कलर को ले लिए। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, ऊपर जो है ना, इस पर क्लिक किए, अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से आप देखिए तीन कलर हैं, तो आपको कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, तीन कलर है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट में क्लिक किया है दो कलर, इसमें भी दो कलर आया, तीन कलर इसमें आ रहा है, तीन कलर क्लिक किए हैं। यहाँ पर इसे डबल क्लिक करके आप अपना ढंग से कोई कलर ले लीजिए, ये ले लिए, ओके कर लिए, फिर यहाँ पर क्लिक किए, ओके कर दिए, और इसको यहाँ पर लेके जाना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करके बोल लिए, ओके कर दिए, इसमें तीन कलर हो गया। अब इसको क्या करना है, ओके कर देना, देखिए यहाँ पर एक कलर आपको बन गया।
और यहाँ पर भी कलर आपको चेंज हो गया, ठीक है ना। जो कलर यहाँ पर लिए थे वहाँ पर भी आपको चेंज हो गया, देखिए जो कलर यहाँ पर लगाया था यहाँ पर आपको चेंज हो गया। चलिए अब इसको समझ लिए होंगे। अब मैं आपको, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर से कंप्लीट हो गया, अब आते हैं नीचे वाला ऑप्शन को। तो नीचे वाला ऑप्शन पर क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। इसको रखते हैं नीचे वाला ऑप्शन पर आते हैं, देखिएगा पेन बैकेट टूल, ठीक है। इस पर क्लिक करके जो यहाँ पर जो कलर रहेगा वो इसको फिल करेगा, यहाँ से चेंज करेंगे कलर, रेड कर देते हैं, क्लिक किए रेड आ गया। फिर वापस किए, वापस किए, यहाँ से देखिए ओके सिटी, इसको हम कर देते हैं 50, फिर क्लिक करके हल्का आएगा, देख लिए। ओपेसिटी से कम ज़्यादा बेसी कर सकते हैं, फिर क्लिक ऐसा आएगा, शो कर सकते हैं ऐसे आ जाएगा। और ओपेसिटी आप जितना करना चाहते हैं, इसका टॉलरेंस जितना बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कर देता 50, और यहाँ से कर देता इसका भी कम, वापस 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 क्लिक कीजिए, देखिए इस तरह से आपको आएगा, ठीक है। ये आपको कौन सा है, फोरग्राउंड है। यहाँ पर आपको अब आते हैं यहाँ पर पैटर्न, पैटर्न में भी आपको इतना सारे हैं, इसको आप पहले आप रिसेट कर लेते हैं, रिसेट इतना सारे पैटर्न है तो किसी पर लीजिए और यहाँ से क्लिक कर दीजिए। पैटर्न भी इसी तरह से आप और भी ला सकते हैं, यहाँ से देखिए इतना सारा पैटर्न है, सब पैटर्न है, यहाँ पर जोड़ सकते हैं, लेकिन नीचे सबको जुड़ते चला गया। जो भी पैटर्न उसी प्रकार से ला सकते हैं जो आपको मैं बताया, यहाँ से वापस कीजिएगा तब पैटर्न आपको इफेक्ट पड़ेगा। देखिए पैटर्न इसमें से कोई भी चूज कर लीजिए, जो भी आपका पैटर्न चूज करना है, और उसी तरह से आप यहाँ पे ला सकते हैं। रीसेट पैटर्न कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, यस कीजिएगा, देखिए आपका पैटर्न ख़त्म हो गया। फिर पैटर्न आपको लगाना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए पैटर्न 2 ओके कीजिएगा, देखिए पैटर्न आपका जुड़ गया, क्लिक कीजिएगा पैटर्न आपका आ जाएगा। इसमें बहुत सारे पैटर्न हैं, यहाँ से आप सब ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। रीसेट से क्या होता है कि आपको हट जाएगा, ठीक है। पैटर्न भी आप देख लिए, आप पैटर्न ओपेसिटी से आप देखिए बढ़ाइएगा, कम देखिए ज़्यादा कीजिएगा, उसका असर आपको पड़ेगा। वापस किए, क्लिक किए, देखिए बढ़ेगा। उसके बाद हमारे पास है नीचे 3D, इस पर क्लिक करेंगे, इसको मैं आगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी हम लोग इसी दो टूल्स को हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा। इसमें आपको बता दें टोटल आपको ऑप्शन मैंने आपको बता दिए, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आई होप मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।